हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं हम। बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा? तो जी, कई बार क्या होता है ना, ये व्लॉग मेरा ना 2 दिन से एडिट होके रखा हुआ है, मैं सच बताऊं, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा। एक बार वो चीज़ वॉइस ओवर हो जाए ना, तो वॉइस ओवर होने के तुरंत बाद जो है फिर मतलब काम करते रहो और वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, उसमें फिर जो है वो टाइम नहीं लगता। तो मैं कैसे न कैसे टाइम करके एडिट मैंने कर लिया था और ये वॉइस ओवर नहीं हो पाया। तो जी, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे डेली मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं डेली मुझे उसका जो है हिमांक का बैग धोना पड़ता है। और क्या रहा, कल रात को तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने सुबह देखा और कल मुझे इसका लंच बॉक्स निकालना याद नहीं रहा। 2-3 दिन से लगातार क्या हो रहा है कि उसके बैग में सब्ज़ी एकदम इतनी मतलब टिफ़िन खुला हुआ मिलता है और सब्ज़ी जो बची हुई, सब मान लो बच्चा है नहीं खाई सब्ज़ी स्कूल में, तो वो बची हुई मिलती है, जो सारी सब्ज़ी जो है उसमें गिर जाती है, बैग में गिर जाती है। तो 2-3 दिन से लगातार इसका डेली जो है वो बैग धोना पड़ रहा था हमने। यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी और ऊपर से थोड़ा बहुत जैसे अभी है ना श्राद्ध चल रहे हैं, फिर उसके बाद नवरात्रे आ जाएंगे। बस ये है कि मुझे अब मैं अपने ना शॉप के लिए हेल्पर ढूंढ रही हूँ। मुझे अगर हेल्पर मिल गई तो आप ये मान के चलिए फिर तो मैं डेली व्लॉग आएंगे ही आएंगे, काम मेरा हाथ जो है काम में मेरा बट जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या 100% है कि व्लॉग तो डेली आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे जो है सब भिंडी वगैरह बनाने की तैयारी जो है वो चल रही है। और कनागत का तो ऐसे ही होता है कि वो तो सुबह सुबह जो है हम निकाल लेते हैं, और आज तो नहीं है घर में, कल मतलब ये होता है कि आज जैसे आज से कहीं कहीं तो जैसे अमावस को पूर्णिमा को भी जो है वो होता है, और किसी का जो है पहला जो पड़वा होता है उसको भी होता है। हमारे यहाँ पर आज पड़वा का दिन है, यानी पहला जो कनागत का दिन होता है हमारे यहाँ पर ना, दूज तीज चौथ इनको होता है, मतलब दूज को हिमांक के दादाजी का, तीज को हिमांक की दादी का, चौथ को जो है हमारे एक जो है वो गए हुए हैं मतलब इनके परिवार से, जिनके कोई बच्चे बच्चे नहीं थे तो उनका था। तो फिलहाल जो है अभी मैं उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और शॉप पे भी काफ़ी रश हो जाता है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी मैं पानी डाल के आई हूँ। बहुत सारी नई बहनें जो हमसे जुड़ रही हैं वो पूछती हैं कि दीदी आप जो है वो डेली गेट पे पानी जो लोटा लेकर जाती हैं, एक गिलास पानी लेकर जाते हैं, एक जग पानी लेके जाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जी बस यही होता है कि खासकर जो हमारे पितर होते हैं ना, कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग या हमारे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है ये चीज़ें, और पहले से चीज़ें चलती आ रही हैं। आज की जनरेशन ये चीज़ें भूल गई है या कोई बताने वाला नहीं होता है, तो मुझे ये चीज़ें करना पसंद है और मैं करती भी हूँ। कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इन चीज़ों से मिलता भी है, सच कहूँ, अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ लेकिन चीज़ों को लेकर होता ही होता है। तो ये जो कहते हैं कि रात भर जो है वो पितर हमारे जो है गेट पर बाहर जो है इंतज़ार करते हैं सुबह पानी के लिए, तो ये सारा ये पानी जो हम डालते हैं गेट पर ये उनको जो है वो जाता है। तो इसलिए जो है फिर हमें जो डेली पानी जो है इस पर डालती हूँ। और यहाँ पे जो झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ, बच्चे अभी सो रहे, किसी को भी जो है वो मैंने नहीं उठाया है, और क्योंकि बच्चे को ये था कि मैं थोड़ा सा वरुण को उठाऊँगी, मैं तैयार हो जाऊँ एक बार पहले। ये मैं 4:30 बजे उठ गई थी आज, सच कहूँ तो मैं 4:30 बजे, क्योंकि ना ये होता है अपना कनागत वगैरह निकालते हैं ना, तो क्योंकि सुबह एक बार हेल्पर तो देखो मैंने लगाई हुई है लेकिन ऊपर हेल्पर से मैंने झाड़ू नहीं लगवाती हूँ। फिर से देखो अगले दिन का ये है, अगले दिन फिर से जो है वही चीज़ रही है, हिमांक ने जो है फिर से बैग जो है वो गंदा किया है, और यहाँ पे एक बार फिर से जो है उसको मैं क्लीन करूँगी, और क्लीन करके फिर मैं नहाऊँगी, अपना जो है कनागत वगैरह जो है वो निकालूँगी, और किचन में पोछा वोछा जो है वो लगाऊँगी। तो ये सारे काम जो है वो सुबह सुबह हो ही जाते हैं। तो ये रात को मैं ना बैग भिगो के पानी में और मैं भूल गई थी, तो सुबह मैंने देखा हो ये तो हमारा जो है वो रह ही गया, तो फटाफट से और जो मैंने ये चीज़ें जो है वो करी हैं। और यहाँ पे जो है बस ये करके इसको ना वो करूँगी, मशीन में सुखा दूँगी ताकि ये स्कूल में जाए ना तब तक जो है ये सूख जाए ये अच्छे से। और रात को मैंने तौलिए धोने के लिए डाल दिए थे ये भी, मतलब रात को स्लॉट मैंने लगा के छोड़ दिया था, तो साथ साथ मैं इसको सुखा दूँगी और बच्चों को उठाऊँगी। वरुण के जो है वो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और ना ही वरुण जो है राइटिंग क्लास जा पा रहा है, ना दूसरी स्पोकन क्लास जा पा रहा है, कहीं नहीं जा पा रहा है फिलहाल जो है कुछ टाइम से, जब से जो है वो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। यहाँ पे जो है फटाफट से अपना, मतलब एक चीज़ और होती है कि सुबह सुबह हम जल्दी उठते हैं ना, तो जल्दी उठने का फ़ायदा स्पेशल ये होता है कि मतलब सारे काम इतने जल्दी जल्दी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सारा दिन आराम करो, अपने लिए टाइम निकालो, कैसे भी करो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ,
खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों के लिए अगले दिन की प्लानिंग करो या उसी दिन की प्लानिंग करो, बहुत टाइम जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो है अभी मैं लगा दूंगी पोचा, सिर्फ और सिर्फ किचन में लगाऊंगी मैं और पूरे घर में नहीं लगाऊंगी। गैस वैस वैसे तो रात को हम साफ करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा जो है वो लगाना होता है। फिर जो है मैं चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि नहा धो के जो है वो कनागत भी मुझे निकालना है, हिमांग की दादा का श्राद्ध है आज, तो अपना जो है वो यहाँ पे जो है हम क्या क्या करते हैं, जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सब्जी बनती है, रोटी बनती है, पूरी बनती है, या कुछ भी इनमें से जो है वो बनता है, और आलू और मटर की सब्जी जो है वो बनाएंगे, साथ में जो है फ्रूट्स वगैरह देकर आएंगे, कपड़े देकर आएंगे, पैसे वगैरह जो कुछ भी होता है ना वो सारी चीज़ें जो है वो अभी हम जो है वो करने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये देखिए, और मैं एक बार वैसे तो रात को मैंने साफ़ कर दिया था, फिर भी अच्छे से जो है इसको क्लीन करना होता है, और क्लीन करके अपने जो है ये हो जाता है कि हाँ मतलब सही है एकदम से। और उस दिन देखो नंगे पैर मैं जो है वो काम कर रही हूँ, किचन में जिस दिन श्राद्ध होता है या पूर्णिमा का ये सॉरी उसका बना रहे हैं खाना, अमावस का खाना वगैरह बना रहे हैं, तो हमेशा ना सिर पे चुन्नी लेके और मतलब नंगे पैर ही जो है वो बनाना चाहिए, किचन में चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाना चाहिए। वैसे मेरे पास ना बहुत बार कॉमेंट्स भी आए हैं, मैसेज भी हैं कि आप किचन में चप्पल पहन के काम करते हो। हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस हमारे यहाँ पे जैसे अभी श्राद्ध है या फिर अमावस का खाना बनता है या स्पेशल कुछ बनता है तभी मतलब किचन में जो है वो चप्पल जो है वो बाहर निकाल ली जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ वो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको ना अच्छे से क्लीन कर दिया है, और क्लीन करने के बाद अभी फटाफट से मैंने एक साइड जो है, आज जो है वरुण की छुट्टी थी, वरुण को भी वैसे मैं उठाऊंगी धीरे धीरे करके, छुट्टी नहीं एग्ज़ाम था वरुण का, और वरुण को लंच नहीं लेके जाना था, तो वरुण सिर्फ दूध दूध पी के जाएगा, वरुण वापस 12 बजे तक आएगा, उसके लिए मैं बस फ्रूट्स वगैरह काट दूंगी और साथ में उसको पानी की बॉटल जो है वो दूंगी, 12 बजे के आने के बाद जो है वो खाएगा, तब तक जो है मैं अपना ये कर लेती हूँ। और हिमांग का जो है वो रेगुलर स्कूल है, हिमांग स्कूल जाने वाला है। अच्छा एक चीज़ और हुई है, जिस दिन मैंने ये ब्लॉग एडिट किया था ना परसों, तो हिमांग को लगी स्कूल में चोट, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो ध्यान देना बच्चे पे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर एक यही भी बना कि मैं वॉइस ओवर जो है वो नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैंने चावल वगैरह अच्छे से जो है वो छाट दिए हैं ताकि इनमें कोई मतलब हल्का सा भी कंकर जो है वो ना हो। और ये पौधे, एक बहन ने पूछा था आपके पौधे इतने हरे भरे रहते हैं कि क्या बात है, तो जी का ये करती हूँ मैं, दाल वगैरह चावल वगैरह कुछ भी भिगोती हूँ तो उनका जो पानी होता है वो मैं पौधों में डालती हूँ, पूरा न्यूट्रिशन जो है इनसे जो है वो मिलता है, पूरे न्यूट्रिशन से जो क्या होता है ना फिर मतलब अलग से ऐसे कुछ स्पेशल खाद बीज वगैरह उन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती है। और छोले की बनेगी सब्ज़ी, छोले पूरी जो है वो बनाऊंगी, और रोटी भी बनाऊंगी, पूरी भी बनाऊंगी। और हुआ क्या कि मैं जो है वो रात को छोले भिगोना, सुबह तो मैंने सोचा था कि मैं आलू और मटर की बनाऊंगी, फिर वरुण बोला कि छोले पूरी बनाना मम्मी, तो फिर मैंने सोचा ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ना नमक वगैरह डाल के और थोड़ा सा ये खाने वाला सोडा डाल के, ये मीठा सोडा जो है वो डाल के, और सीटियाँ लगवानी जो शुरू कर दी थी, 8-10 सीटियों में ये चीज़ रेडी हो गई थी। एक तरफ आटा लगा दिया और दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया था, और चावल तब तक दूध उबले तब तक चावल भी जो अच्छे से भीग गए, और साइड बाय साइड जो है वो खीर हमारी बनके हो जाएगी रेडी। बीच में जो है फिर हिमांग को भी रेडी कर दिया है मैंने, और अभी बस उसका लंच बना दूंगी साथ में उसको, और लंच दे के फिर जो है वो अपना स्कूल चला जाएगा, और फिर मैं अपने कामों में जो है वो लग जाऊँगी। यहाँ पे तड़का लगा दिया, खीर हमारी बन गई है, तड़का भी लगभग हमारा हो गया है रेडी, और साथ साथ में जो है वो रोटियाँ सेक दूंगी, और साथ में मैं जो है तेल भी चढ़ाया, बच्चे पूरी के लिए बोल रहे थे, तो पंडित जी को तो खाने में मैं पूरी ही दे कर आऊँगी, और गाय को मैं पूरी नहीं दे के आऊँगी, गाय को मैं रोटी और कुत्ते को भी रोटी डाल के आऊँगी, और ऊपर जो जैसे कौवे हैं तो उनको भी मैं रोटी वगैरह जो है वो दे कर आऊँगी। तो यहाँ पे जो है सारा जो है कर करा के अभी पंडित जी का खाना बना रही हूँ, फिर उसके बाद खाना दे कर आएंगे। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, किसी भी टाइम जो है बिना वो होते ना बिन बादल बरसात वही चीज़ जो है वो शुरू हो जाती है, बिना कुछ बताई चीज़ें जो है वो बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा एकदम से मौसम काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, और आज भी ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पे जो है अपना खाना हो गया रेडी पंडित जी का, और जो भी मुझे अपने लिए पितरों के लिए मुझे बोलना होता है वो चीज़ें हम बोलते हैं। और ये देखो इतनी ही देर में बिन बादल बरसात, बिन मौसम बरसात जो है वो शुरू हो गई है, ये देखो कितनी तेज़ है वो बारिश हो रही है। अब तक तो मौसम ठीक था, लग भी नहीं रहा कि बारिश भी आएगी, फिर एकदम से जो है इतनी ही देर में
बारिश आनी जो है वो शुरू हो गई। अभी जो है मिल रही हूँ मैं आपको दोपहर को, और जब से मैंने ये अगारो का वो मंगाया ना जूसर मंगवाया है, जूस निकालने वाला, बच्चों को ना जूस वगैरह का बड़ा वो रहता है कि मम्मी ना हमें जूस पीना है जूस पीना है, और वो खुद निकालना चाहते हैं। तो ये मैंने सारी मौसमी वगैरह छील ली हैं और इतना हैंडी है ना ये, मतलब जूसर की क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़बरदस्त हैंडी है। अपने मतलब बच्चे यूज़ करें, बड़े यूज़ करें, कैसे भी यूज़ करें, किसी को कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ ये यूज़ नहीं होगा किसी से। चलिए अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।